नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कंधों में दर्द व जकड़न क्यों हो जाती है और इसको हम बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे घरेलू उपचार करें या कौन कौन से ऐसे नेचुरल ट्रीटमेंट करें जो कंधों के दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएँ। पहले ये जानते हैं कि कंधों में दर्द होता क्यों है। सबसे पहला कारण तो ये है कि कंधों में जब इंटरनली कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई सूजन हो जाए, तो तब कंधों में दर्द, जकड़न और स्टिफनेस हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी कंधों में इन्फेक्शन के कारण भी दर्द व सूजन, जकड़न रहती है। और जैसे बुखार में लंबा बुखार चल रहा हो बहुत समय तक, तो कभी कभी इन्फेक्शन जोड़ों में भी चला जाता है। या बहुत लंबे समय से स्टीरोइड ले रहे हों या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, तो भी कंधों में दर्द, जकड़न और सूजन, स्टिफनेस वगैरह रहने लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंधों में दर्द व जकड़न कुछ भी नहीं है और हमने कोई एक्सरसाइज शुरू करी किसी नई तरीके की, और जोश में आकर के हम उसको ज़्यादा कर लेते हैं, तो जब जोश में आके हम ज़्यादा कर लेते हैं तो भी कंधों में दर्द व जकड़न होने लग जाती है। उसके अलावा कई बार जिम में ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं तो, या कोई बहुत भारी सामान उठा लेते हैं, तो तभी भी कंधों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कंधों में जकड़न और दर्द रहने लगता है। कंधों में दर्द और जकड़न का सबसे अहम कारण है कि शरीर के अंदर वात का बढ़ जाना या बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स का अभाव। जब शरीर के अंदर वात अधिक बढ़ जाती है तो भी कंधों में दर्द और जकड़न शुरू होती है। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो कई बार जब वात ज़्यादा हो जाती है शरीर के अंदर तो वो हमारे अक्सर जोड़ों में बैठती है, चाहे वो घुटनों के जोड़ हों, चाहे कोहनियों के जोड़ हों और चाहे कंधों के जोड़ हों, किसी न किसी जोड़ से तो शुरुआत हो ही जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि कंधों में दर्द और जकड़न के क्या क्या कारण होते हैं। आगे की बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कंधों में दर्द व जकड़न के जितने भी कारण मैंने अभी आपसे शेयर किए हैं, उन सभी कारणों को हमें अपने रूटीन लाइफ से हटा देना चाहिए, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वात एक कारण है जो कंधों में, जिसकी वजह से दर्द है, तो सबसे पहले हमें अपने आहार पर ही ध्यान देना है। आहार में ऐसी भोज्य पदार्थ को नहीं खाना है जो गैस वर्धक हों, जो गैस बनाते हों, जैसे मैदे से बनी वस्तुएं, अधिक चीनी, चिकनाई, ये सभी चीज़ें गैस बनाती है। क्योंकि जब हम मैदे की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उससे हमारा पेट साफ होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से गैस बनने लगती है। इसके अलावा रूटीन में हमें एसिडिक चीज़ों का भी प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जितने भी तले भुने पदार्थ हैं, गरिष्ठ भोजन है, छोले, राजमा, इस टाइप की चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए या कम से कम उनका प्रयोग करना चाहिए। हमेशा हमें सादा और ताज़ा भोजन खाना चाहिए और समय पर खाना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो वात बढ़ने के कारण हैं वो समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। और हमें अपने भोजन में ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी हैं जो गैस को बढ़ाती हों। हमें अपने भोजन में सिट्रिक फ्रूट्स खाने चाहिए, उनके जूस लेने चाहिए। इनको हम चाय की जगह और कॉफ़ी की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। जब कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, जकड़न हो या होल बॉडी में दर्द रहता हो, क्योंकि वो अधिकतर वात के कारण ही होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें बंद गोभी का सूप बना करके पीना चाहिए। बंद गोभी का सूप बनाने के लिए हमें 200 ग्राम बंद गोभी चाहिए। तो 200 ग्राम बंद गोभी को साफ करके, धो करके, छोटा छोटा काट कर किसी पैन में उबालने के लिए रखना है, और उसमें एक दो गिलास हमें पानी डालने हैं। दो गिलास यानी 500 ग्राम हमें उसमें पानी ऐड करना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो गैस को धीमा कर दें, और पकते पकते जब पानी केवल एक गिलास के करीब बचे, 200 ग्राम के करीब बचे, तो गैस को बंद कर दें। और गैस को बंद करने के बाद हमें उसमें एक आधी चम्मच पाउडर मिलाना है, जिसमें पांच चीज़ें हैं जिसका पाउडर आप बना करके एक साथ रख सकते हैं, जैसे काली मिर्च, जीरा, सौंठ, बड़ी इलायची और दालचीनी। इन सबको बराबर मात्रा में लेना है और पीस करके पाउडर बना के आप इसको एक डिब्बे में रख लें,
और जब भी आप सूप बनाएं तो उसमें आधी चम्मच पाउडर डाल दें। जब सूप बन के तैयार हो जाए तो हल्का गर्म सूप हमें घूंट घूंट करके पीना है, एकदम जल्दी से पी के नहीं रखना है, धीरे धीरे पीना है। बंद गोभी का सूप जो भी आपने बनाया है इसी तरह से सूप शाम को भी बनाना है, तो हमें दोनों टाइम सूप को पीना है। जब आपका शरीर का दर्द या कंधों का दर्द या कहीं भी जोड़ों में दर्द है वो ठीक हो जाए तो आप सूप पीना बंद कर सकते हैं। और ये सूप ऐसी चीज़ है, आप इसे लंबे टाइम तक पी सकते हैं, इसको लंबे टाइम तक पीने में कोई हार्म नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी जो बिल्कुल आसान है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे कंधों के दर्द बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आप एक कुर्सी पर बैठ जाएं और अपने सामने एक स्टूल रख लें और उस स्टूल पर दो बर्तनों में पानी रख लें, और दो बर्तन कोई से भी आप ले सकते हैं या छोटी छोटी दो बाल्टी रख लें, सामने एक टेबल रख लें, स्टूल छोटा पड़ जाएगा दो बर्तन रखने के लिए, तो एक टेबल टाइप रख लें और उसमें दो बाल्टी रख लें छोटी छोटी सी प्लास्टिक की जो सबसे छोटे साइज की आती हैं, या दो छोटे डस्टबिन भी रख सकते हैं जो विदाउट कवर वाले आते हैं, खुले आते हैं, वो भी रख सकते हैं, या आपके पास घर में भगोने हो उसमें पानी भर के भी गर्म रख सकते हैं। हमें पानी अपने हाथों को यहाँ तक डिप करना है, पानी में यहाँ तक अपने हाथ डिप कर लेंगे तो हमें इस तरह से ऐसा कोई बर्तन लेना है, तो उसमें पानी भर लें और अपने हाथों को उसमें 20 मिनट के लिए डिप करके रखें। जब अपने हाथों को आप 20 मिनट के लिए गर्म पानी में डिप करके रखते हैं तो कंधों का दर्द बहुत जल्दी ठीक होने लग जाता है, और थोड़ी देर में पानी ठंडा हो जाएगा। इसके लिए आप एक जग में पानी भर के रख लें, बीच बीच में गर्म पानी डालते रहें और ठंडा पानी उसमें से निकालते रहें। और जब आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो प्रिकॉशन के तौर पर एक गिलास पानी आप पी करके बैठें और सिर के ऊपर ठंडे पानी में टॉवल भिगो के रखें, क्योंकि जिनको बीपी हाई रहता है तो उनको सिर में गर्माहट फील होने लगती है तो फिर चक्कर महसूस होते हैं, तो सिर को ठंडा रखना ज़रूरी होता है। तो जब भी आप ये इलाज करें तो सिर के ऊपर ठंडे पानी में टॉवल भिगो करके ज़रूर रखें। और इस ट्रीटमेंट को आप लंबे समय तक भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको केवल गर्म पानी में हाथ रखना है और इससे ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, कंधों के दर्द, सिर दर्द, जकड़न सभी कुछ ठीक हो जाती है। इसके अलावा अभी मैं आपको कुछ योगिक क्रियाएं भी बताऊंगी, तो उन योगिक क्रियाओं को भी आप रोज़ाना किया करें, और योगिक क्रियाएं करने से भी धीरे धीरे कंधों के जकड़न, दर्द, स्टिफनेस ठीक होने लग जाती है। तो कंधों का दर्द ठीक करने के लिए मैं कुछ 5 योगिक क्रियाएं बताऊंगी जो बहुत आसान है, इसको सभी लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे आप अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। तो ताड़ासन के लिए आपको पंजों के बल पैरों को ऊपर उठाना है और हाथों को ऊपर ले जाना है, खींच के रखना है, जितना आप आराम से खींच सके इतना आप धीरे धीरे खींचें, ज़्यादा तेज़ी से ना खींचें, क्योंकि कंधों में जब दर्द धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा तो आप उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ताड़ासन करेंगे। उसके अलावा दूसरा जो सूक्ष्म योगी क्रिया है या योगासन है वो त्रियक ताड़ासन है। तो इसमें अपने को साइड में बेंड करना है, राइट साइड भी बेंड करना है और लेफ्ट साइड भी बेंड करना है, और हाथों को ऊपर उठाना है। इसके अलावा शोल्डर रोटेशन दो तरह से आप करेंगे, एक तो कंधों पे हाथ रख के कंधों को रोटेट करेंगे और दूसरा कंधों की एक और स्थिति है जिसमें केवल कंधों को ही रोटेट करना होता है। इसके अलावा एक शोल्डर स्ट्रेचिंग होती है जो कंधों के दर्द और जकड़न में भी बहुत अच्छा काम करती है। कंधों के दर्द और जकड़न में जब आप अपने भोजन पर ध्यान देने लग जाते हैं और योगासन करते हैं रोज़ाना, योगी क्रियाएं करते हैं और उसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, तो धीरे धीरे कंधों का दर्द समाप्त होना शुरू हो जाएगा। ना ही आपको किसी तरह की टैबलेट खानी पड़ेगी और ना ही आपको बहुत दिनों तक इस दर्द को झेलना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।